सब लोग रेडी हो गए हैं और इधर में बर्थडे केक भी आ गया है, आइस भी रेडी हो गया है बर्थडे फ्रेंड्स। केक देखिए, केक अनबॉक्सिंग करते हैं आइस के बर्थडे का। आइस को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए कैंडल भी जल रही है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और टाइम हो गया है फ्रेंड्स सुबह के 6:15 बज गए हैं और बारे आज सोमवार, तो ये सोमवार का ब्लॉग है मेरा। और आज उठने में भी काफ़ी लेट हो गया है फ्रेंड्स, आप सबको पता है कल इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, तो सुबह आँख ही नहीं खुली है जल्दी से। और अभी उठते के साथ में लग गई हूँ मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाने की तैयारी में। और अभी देखिए ये कपड़ों का स्टैंड भी यहाँ से नहीं हटाया मैंने, क्योंकि कल है ना कपड़े भी थोड़े गीले रह गए थे तो मैंने अंदर रख दिया था स्टैंड को। और अभी आ गई हूँ बाहर, तो बाहर का मौसम देख लीजिए, काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम हो गया है और हल्का हल्का उजाला भी हो गया, देख सकते हैं उजाला हो चुका है फ्रेंड्स। और अब आज मैं बच्चों के टिफ़िन में बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है। वो स्पेशल डे क्या है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो आप लोगों को पता लगेगा आज स्पेशल डे क्या है। तो यहाँ पे पास्ता बन रहे हैं बच्चों की फरमाइश पे कि मम्मी आज पास्ता खाने हैं, टिफ़िन में पास्ता ले जाने हैं, तो पास्ता ही बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो पास्ता उबाल लिए मैंने और यहाँ पे प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ और फटाफट से बना लेती हूँ। अनुषा चली गई है नहाने के लिए और यहाँ पे देखिए सुबह की मेरी चाय भी बन गई है, चाय भी बन गई है फ्रेंड्स। तो भी चाय तो बाद में पीऊँगी मैं, पहले बच्चों का टिफ़िन तैयार करूँगी। बच्चों के लिए दूध भी निकाल लिया है पतीले में गर्म होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग बने रहेगा वीडियो में एंड तक। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। और अभी बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाएंगे, अभी भागा दौड़ी होने वाली है मेरी, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल की ड्रेस भी प्रेस करनी है, बहुत सारा काम है, टिफ़िन बना के रेडी करना है, तो आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े भी सूख गए हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ से कपड़े उतार लूँगी और कपड़ों के स्टैंड को रख दूँगी बालकनी में, और कपड़े अभी रूम में डाल दूँगी और दिन में मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा तभी सारे कपड़े समेटूँगी, क्योंकि अभी मुझे बच्चों के स्कूल की ड्रेस भी प्रेस करनी है। तो बच्चों की ड्रेस लेके आ गई थी मैं बेडरूम में, तो यहीं पर मुझे प्रेस करनी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ चद्दर वगैरह समेट दूँगी, क्योंकि सभी लोग उठ चुके हैं फ्रेंड्स, बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चे अपना नहाने धोने चले गए हैं, तब तक मैं यहाँ बच्चों की ड्रेस प्रेस कर दूँगी। और प्रेस करने के बाद में बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है। तो सुबह इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है फ्रेंड्स, और प्रेस का काम अगर रात को कर लो ना फ्रेंड्स तो सुबह थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है। वैसे मुझे रात को याद था फ्रेंड्स कि प्रेस करना है मुझे, पर रात को इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, एक तो फास्ट था मेरा, सारे दिन की काफ़ी थकान हो गई थी, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने कि चलो कोई नहीं सुबह कर लूँगी मैं। और सुबह भी है ना उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, चलो फिर भी मन की फटाफट से हो जाए सारे काम। और प्रेस करने के बाद में आ गई थी मैं सीधा किचन में और अब बच्चों का टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ। और आज टिफ़िन में मैं बना रही हूँ पास्ता, तो आज आयुष की फरमाइश पे बन रहे हैं पास्ता। आयुष का मन था कि मम्मी आज पास्ता ही ले जाऊंगा टिफ़िन में, तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाला तैयार, सॉरी ग्रेवी तैयार कर ली है। तो ग्रेवी में मैंने प्याज, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और उसके बाद में मसाला तैयार हो जाने के बाद में यहाँ पे मैंने पास्ता डाल दिए। पास्ता डालने के बाद में पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, टोमेटो केचप, मेयोनी सब डाल दिया है। और इधर में बच्चों का दूध भी रेडी हो गया है, आज बच्चों को मैंने चोकोस वाला दूध दिया है और बच्चे पूरी तरह से रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है बच्चों का। और वैन आ गई थी और चले गए हैं फ्रेंड्स बच्चे, और अब जाके थोड़ा बच्चे भी चले गए हैं और टाइम हो गया है फिक्स 7:15 बज गए हैं, और फिक्स 7:15 बजे इनकी वैन भी आ जाती है। और है ना मैं कितना भी जल्दी कर दूँ फ्रेंड्स, बच्चे फिर भी लेट हो ही जाते हैं। पता है आज आयुष दूध भी छोड़ के चला गया है, अनुषा तो पी ली थी दूध को, आयुष छोड़ के चलाया गया है। बड़े शौक से है ना ये चोकोस मंगवाए थे दूध में पीने के लिए, पर देखिए छोड़ के चला गया है, सारा बेकार हो गया है। इतना जल्दी करती हूँ उसके बावजूद भी। और अभी देखिए पूरा किचन मेरा फैला हुआ है, अभी मैं भी चाय पीऊँगी फ्रेंड्स। अब ना सर में भी ऐसे भारी भारी हो रहा है, सर दर्द सा होने लगा है ना। चलिए चाय पीते हैं, आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद में घर की क्लीनिंग करूंगी और देखती हूँ कल से घर की साफ सफाई भी शुरू करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरे घर में दिवाली की साफ सफाई भी शुरू नहीं हुई है। सोच रही हूँ आज घर के सारे पर्दे उतार के और धोने के लिए डालूंगी, तो पर्दे वगैरह धोने के लिए डाल दूंगी, तो पर्दे धो के रख दूंगी, फिर उसके बाद में करूंगी साफ सफाई। चलिए देखिए चाय को गर्म कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चाय भी गर्म हो गई है और कप में डाल ली है मैंने, और अब सबसे पहले चाय पी लेती हूँ।
और है ना आज मुझे ना कपड़े भी धोने हैं फ्रेंड्स। बच्चों की ड्रेस नहीं धोई थी मैंने कल, वाइट वाली तो मैंने धो दी थी, जो चेक वाली ड्रेस है ना मैंने नहीं धोई थी फ्रेंड्स, क्योंकि कल फास्ट था तो बस काफ़ी थकान भी हो गई, घर में इतने 100 काम निकल आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने मशीन में पानी भरने के लिए भी लगा दिया है, मेरी साड़ी वगैरह भी यही पड़ी है, ये भी धोनी है आज मुझे। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े ही है जो मैं धोने के लिए डालती हूँ और पानी भी आ गया है डायरेक्ट, तो चलिए मशीन चला देती हूँ। तो फ्रेंड्स डिटर्जेंट पाउडर भी डाल दिया है मैंने और अभी मशीन ऑन कर दी है, अभी तब तक मैं चाय पीती हूँ फ्रेंड्स। सुबह से है ना चाय भी नसीब नहीं है अभी तक, क्योंकि काम सुबह इतने हो जाते हैं। और यहाँ पे अभी डायरेक्ट पानी आ गया तो टब वगैरह मैं भर लेती हूँ, क्योंकि पानी चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी है ना, तो एक्स्ट्रा पानी भर के रख लूँगी तो सारे कपड़े भी धुल जाएंगे मेरे। तो अभी टब में लगा दिया है पाइप, पानी भरता रहेगा और चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय भी मेरी ठंडी हो जाएगी, काफ़ी देर से बनी हुई है मेरी चाय। आ जाइए आप सब भी, चाय पी के मिलती हूँ आप लोगों से। नहाना धोना भी हो गया है, घर की साफ सफाई भी कर ली है मैंने और सारे कपड़े भी धो लिए हैं, और यहाँ तक कि फ्रेंड्स मेरा खाना पीना भी हो गया है और काफी देर के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे काम करते करते है ना भूख भी लग गई थी, तो अपने लिए मैंने खाना बना लिया था और बच्चों के लिए ना आटा ढक के रख दिया है, और बच्चे आएंगे तभी मैं उनके लिए गरम गरम रोटियां बना दूंगी। और सब्जी तो बनी हुई रखी है, मैंने रात को बनाई थी आलू की सब्जी, तो उसी सब्जी के साथ में मैंने खाना खा लिया है। और टाइम हो गया फ्रेंड्स 1:30 बज गया है, तो बच्चों को आने में अभी 1.25 घंटा है, तो 2:45 बजे तक आते हैं बच्चे। और अभी सारा काम मेरा हो चुका है, बस कपड़े सुखाने बाकी है, कपड़े धो तो लिए हैं, सुखाए नहीं है अभी, थोड़े कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और थोड़े यहाँ पे बाल्टी में ही रखे हुए हैं, ये देखिए 2 बाल्टियाँ भरी हुई है, तो ये कपड़े मैं सुखा ले, सारे कपड़े भी सुखा दिए मैंने और कुछ कपड़े मैंने इधर डाल दिए हैं, और जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना मैं स्टैंड पे ही डाल देती हूँ। और अभी चलो कपड़ों का काम भी निपट गया है और अब बच्चों का इंतज़ार कर लेती हूँ, बच्चे आएंगे फिर उसको खाना वाना खिलाऊंगी बच्चों को, और तब तक मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, कल भी वीडियो नहीं डाला था मैंने तो अभी वीडियो एडिट कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तब तक आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को एंजॉय कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आपके 7 बज गए हैं और आप लोगों से मिल रही हूँ मैं इवनिंग टाइम में, और दिन में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था फ्रेंड्स। और अभी मेरी शाम की चाय वाय सब हो गई है, दूध भी गर्म कर लिया है और आज मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ, आप लोगों को सुबह ही बताया था कि आज कुछ स्पेशल डे है। और आज स्पेशल डे क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए डेकोरेशन, आज है आयुष का बर्थडे तो उसी की ये छोटी सी डेकोरेशन की है, बस हम यहाँ पे केक कटिंग करेंगे और खाना वाना हम बाहर खाने जाएंगे फ्रेंड्स, तो बस केक कटिंग के लिए इतना सा ये डेकोरेशन किया है। आयुष और आयुष के पापा गए हैं केक लेने के लिए, आयुष के पापा भी आज ही आए हैं गांव से, 4 बजे के समथिंग आए थे, और अभी आए हुए हैं उसके मामा जी भी, तो अनुषा और उसके मामा जी नीचे गए हुए हैं गाड़ी में कुछ सामान रखने के लिए, और अभी मैं अकेली हूँ घर में तो फटाफट से तैयार भी हो जाते हैं फ्रेंड्स, और केक कट करने के बाद में फिर जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए। तो आज मैंने घर में कुछ भी नहीं बनाया है, देखिए मेरा किचन बिल्कुल सोना हो रखा है। और चलिए फ्रेंड्स अब तैयार हो जाते हैं, उससे पहले मैं बाहर से कपड़े उतार लेती हूँ, कपड़े नहीं उतारे अभी मैंने, तो आज सस्पेंस तो यही था फ्रेंड्स कि आज स्पेशल डे क्या है। आज आयुष 14 साल का हो गया है, 14 साल का कम्प्लीट हो गया है आज आयुष, और 15वीं साल में लग गया है ना, तो चलिए बाहर से कपड़े उतारते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बाहर में अंधेरा हो गया है, और अनुषा देखिए वो रही गाड़ी में बैठी है, अंधेरा होना है तो दिख नहीं रहा है, अनुषा दिखा हाय, वो देखिए फ्रेंड्स उसके मामा जी की गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, अभी कहाँ जा रही है, अच्छा अभी कहाँ घूमने जाएगी अनुषा, गाड़ी में जा रही है बोले मामा जी के साथ घूमने जा रही हो, तो चलिए मैं कपड़े उतार लेती हूँ, सब लोग आते हैं तब तक।
तो फ्रेंड्स सारे कपड़े सब लोग रेडी हो गए हैं और इधर में बर्थडे केक भी आ गया है, आइस भी रेडी हो गया है बर्थडे बॉय भी। और चलिए केक कट करते हैं और इसके मामा जी भी आ गए हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स अनुषा भी रेडी हो गई, देखिए जो टी शर्ट लेके आई थी ना अनुषा वही पहन ली है ना। तो चलिए अब केक कटते हैं, केक कट करते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स केक, देखिए केक अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बर्थडे का ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, देखो इसका केक दिखाता हूँ मैं, अनुषा दिखाएगी अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, देखो तो फ्रेंड्स अनुषा आइस को तिलक लगा रही है, उसके बाद में केक कट होगा। ये हैप्पी बर्थडे। चावल भी लगाते हैं? हाँ चावल लगाते हैं। आप कटाते हैं को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए कैंडल भी जल गई है और मेरे 50 रुपए हैं। यानी को 50 रुपए मिले। अब अनुषा भाई का केक कटिंग हो चुकी है और अब मेरी बारी है। तो फ्रेंड्स आप सब भी केक खा लीजिए और ये अनुषा को खिला। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आइस को डर लग रहा है कि कोई मुंह पे लगा देगा। आइस को डर लग रहा है। आ थोड़ा सा लगवा लेना। मैं सही गाल पे वैसे ही लगा दूंगा। पहले अनुषा को हैप्पी बर्थडे। हाँ, अनुषा के मुंह पे लग गया है केक। हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स केक भी कट हो गया है, अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। तो अभी केक को रख देते हैं फ्रिज में, बाद में खाएंगे। इसको देखो फ्रेंड्स पूरा डॉन बन के जा रहा है, जो नई ड्रेस खरीदी थी ना, जूते लाए, नए जूते पहने हैं और पैंट भी वही डाली है और टी शर्ट तो वही पहनी है, इसके नाना जी ने दिलाई थी इसको टी शर्ट। देखे इसके नाना जी ने दिलाई थी, बहुत ही प्यारी टी शर्ट है ना। और अनुषा भी जूते लेके आई अभी जा करके, देखे फिर ये देखे अनुषा भी अभी जाके जूते लेके आई। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और आप लोग भी बने रहिए। तो फ्रेंड्स सब लोग नीचे चले गए हैं, मैं और अनुषा है, अनुषा घर लॉक कर रही है, चलते हैं। आ जा। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग मार्केट में और इतना जाम लगा हुआ था ना, इसलिए हम गाड़ी से नीचे उतर गए हैं। भाई गाड़ी को पार्किंग में लगा के आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स पहुंच गए हम लोग रेस्टोरेंट, बोलते बोल क्या स्टार्टर मंगवाएगा, बोले मेरे सब कुछ मेरे पसंद का होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। अब इसके मामा जी नहीं आए, उसी का वेट कर रहे हैं। दोनों ने स्टार्टर भी चूज कर लिया है, क्या मंगवाना है अभी ऑर्डर कर देते हैं फ्रेंड्स और फिर बाद मिलते हैं आप लोगों से। और अभी भाई भी नहीं आया है, पता नहीं कहाँ रुक गया है, अभी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स स्टार्टर भी आ गया है और देखिए आई लार्ज प्लेट में, और स्टार्टर में है चिली पटेटो है और स्प्रिंग रोल है। तो आ जाइए फ्रेंड्स खा लीजिए, आइस कैसा है इसको तो कैसा ऐसा ही खाना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्टार्टर हो गया है और आइस के मामा जी भी नहीं आए हैं, वो है ना हमारे साथ चीटिंग कर दिया है, वो चला गया है कि बोले मेरे को खाना नहीं खाना है, तो वो हमें छोड़ करके चला गया है, वो नहीं आया है मेरा भाई छोटा वाला। और अभी हमने खाने का ऑर्डर भी दे दिया है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स खाना भी आ गया है हमारा, और खाने में क्या है, पनीर बटर मसाला, बटर पनीर बटर मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा खाना आ चुका है, और आयुष डाल रहा है खाना। तो फ्रेंड्स खाना पीना भी हो गया है, आयुष का भी नहीं हुआ है, आयुष अभी खा रहा है और इसने मंगवा ली है स्प्राइट। तो फ्रेंड्स हो गया हमारा खाना, निकलते हैं बाहर। मार्केट में फिर देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स खाना पीना खा के आ गए हैं, और आयुष का बर्थडे पार्टी भी हो गई है ना, और इसके मामा जी ने चीटिंग कर दी हमारे साथ में, और अच्छा भी नहीं लगा है फ्रेंड्स, बस केक कट करवा के चला गया वो। और फ्रेंड्स कल अनुषा है ना पिकनिक जाने वाली है, तो उसके लिए देखिए फ्रूटी वगैरह ले रही है, अभी चिप्स वगैरह लेगी, पता नहीं क्या क्या लेके जाएगी अभी, है ना अनुषा? हाँ। उसी के लिए बैग भी लेके आई है एक, तो वो तो मैंने दिखाया ही नहीं। तो फ्रेंड्स 9:15 बज गए हैं, और अभी भी मार्केट बंद होने लग गया अब तो, है ना, दुकानें खुली हुई है। तो फ्रेंड्स अनुषा ले लिया चिप्स वगैरह, आ गई है दुकान पे। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं सीधा घर पे, और ले लिया है अनुषा का पिकनिक का सामान भी, और अब घर जाके मिलेंगे आप लोगों से। तो फ्रेंड्स हम लोग हम हमारी सीमा में एंट्री कर चुके हैं, और बस 5 मिनट और लगेंगे घर पहुंचने में। फाइनली फ्रेंड्स घर पे पहुंच गए हैं, और अनुषा ने दरवाज़ा खोल दिया है, और चलते हैं अब अंदर, है ना। बंद भी अनुषा ने किया था, खोला भी अनुषा ने है। टाइम हो गया है 9:30 बज चुके हैं, और बच्चों के ट्यूशन का टाइम भी हो गया है, और अभी ट्यूशन टीचर भैया भी आने वाले हैं। और ये अनुषा का पिकनिक का सामान, इसको भी रख देते हैं, और ये सब सामान हटाती हूँ फ्रेंड्स अब मैं, और कपड़े वगैरह भी चेंज करते हैं। अनुषा आते के साथ में पंखा चला लिए फ्रेंड्स, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। अनुषा देखे जूते लेके बैठ गई है बेड पे, देखे जूते लेके आई आज, है ना, और अब थक भी गए हैं फ्रेंड्स, है ना। अब वीडियो का भी एंड करते हैं, और बस ज़्यादा कुछ नहीं किया अनुषा के, सॉरी आयुष के बर्थडे पे, नाम सेम है ना इनका, तो आयुष की जगह अनुषा का नाम बोला जा रहा है मेरे से, है ना। तो बस घर में केक कट किया था, और बाहर जाके बच्चों को खाना खिला दिया है, और मेरा भाई है ना बीच में से ही चला गया है, बोला कि मैं आ रहा हूँ, और चला गया, पता नहीं क्यों चला गया फ्रेंड्स, अच्छा नहीं लगा भाई के बिना, क्या करें, बहुत बड़ी चीटिंग की है उसने हमारे साथ में कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, उसका इंतज़ार करते रहे काफ़ी देर तक, और फिर उसके बाद में हमने ऑर्डर किया, उसको फ़ोन किया तो बोले तुम लोग खा लो, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है, है ना। ऐसा कौन करता है फ्रेंड्स, नहीं करना चाहिए था ना, बच्चों का बहुत मन था, और इस ये बच्चे है ना मामा जी पे ज़्यादा ही कुछ जान छिड़कते हैं ये दोनों, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब कपड़े वगैरह भी चेंज करूँगी, और वीडियो का भी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आयुष को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट, थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।